Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 1994 में रिलीज हुई इटालियन फिल्म द पोस्टमैन की, जिसके डायरेक्टर हैं इंग्लिश फिल्म मेकर माइकल रैडफोर्ड। और ये फिल्म अंटोनियो स्कारमेटा की बनाई गई एक फिल्म से इंस्पायर्ड है, जो एक काल्पनिक कहानी है एक असली पोएट पाब्लो नेरुदा और एक पोस्टमैन की दोस्ती की, जहां वो पोस्टमैन पाब्लो से दोस्ती करके कविताओं से प्यार करना सीख जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक आइलैंड पर, जहां मारियो नाम का एक आदमी एक पोस्टकार्ड लेकर बैठा है जो उसके दोस्त ने अमेरिका से उसे भेजी है। मारियो एक मछुआरे का बेटा है जिसके साथ उसका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। वो इस आइलैंड से बाहर जाना चाहता है और उसे मछुआरा नहीं बनना। वो इस बारे में अपने पिता से इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि अमेरिका में पानी की तकलीफ भी नहीं होती और वहाँ हर कोई पैसे कमाता है। उसके पिता इस बात को ये कहकर खत्म करते हैं कि उसे जहाँ जाना है जाए, पर अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ले। उस आइलैंड पर पानी की प्रॉब्लम है, पर इससे मारियो और दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मारियो और आइलैंड के दूसरे लोग एक न्यूज रील देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पाब्लो नेरुदा नाम के एक चीले देश के एक कवि को उस देश से निकाल बाहर कर इटली में उनके आइलैंड पर भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को उसके कम्युनिस्ट आइडियाज से तकलीफ है। ये सुनकर आइलैंड के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तब मारियो को एक नोटिस दिखता है जिसमें लिखा है कि पोस्टमैन की नौकरी के लिए वो एक आदमी ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक साइकिल हो। अगले दिन मारियो पोस्ट ऑफिस जाता है जॉब की बात करने के लिए, जहां उसे बताया जाता है कि सिर्फ एक जगह उसे चिट्ठियां पहुंचानी है, पाब्लो नेरुदा के घर, जिसके लिए बहुत सारी चिट्ठियां आई है। जॉर्जियो उसका सुपीरियर उसे बताता है कि इस काम के लिए उसे कम पैसे मिलेंगे और उसे पाब्लो के साथ इज्जत से पेश आना होगा क्योंकि वो एक महान कवि है। मारियो का काम कुछ दिनों बाद शुरू होगा, पर वो अपने पिता को दिखाने के लिए अभी से यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर देता है। काम शुरू होते ही वो पाब्लो के बारे में समझने लगता है और उसे समझ आता है कि उससे लड़कियां और औरतें इतना प्यार क्यों करती हैं। वो जब भी पाब्लो के घर चिट्ठियां देकर आता, अपने पिता और जॉर्जियो को पाब्लो के बारे में सब कुछ बताता। वो कैसा इंसान है, कैसे बात करता है, कैसे रहता है, सब कुछ। मारियो चाहता है कि जब वो अमेरिका जाए तो लड़कियां उसकी भी वैसी ही दीवानी हो जैसे पाब्लो की है, और इसलिए वो पाब्लो की लिखी हुई कविताएं पढ़ने लगता है और उसका ऑटोग्राफ लेने की प्रैक्टिस करता है, ताकि वो हर किसी को बता पाए कि वो पाब्लो नेरुदा को जानता है। पर मारियो ऑटोग्राफ से खुश नहीं होता, क्योंकि पाब्लो ने मारियो का नाम लिखा ही नहीं और अब कोई नहीं मानेगा कि पाब्लो उसका दोस्त है। जॉर्जियो उसे समझाता है कि उसे ऑटोग्राफ तब मांगना चाहिए जब वक्त सही हो और पाब्लो बिजी ना हो, पर इस बार वो ऑटोग्राफ जॉर्जियो खुद के लिए मंगवाता है। जो चीज अपने निजी मतलब के लिए मारियो शुरू करता है, उसमें खुद गुम हो जाता है और धीरे धीरे उसे पोइट्री में इंटरेस्ट आने लगता है और वो पाब्लो के साथ उसकी ही भाषा में बातें करने लगता है। पाब्लो देखता है कि मारियो को कविताओं में इंटरेस्ट है, तो वो उसे कुछ शब्द और उनके मतलब समझाता है, पर फिर वो कहता है कि कविताओं में कुछ शब्द समझाए नहीं जाते, उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ता है। अगर किसी कविता का मतलब आप समझाओ तो उसका असली मकसद खो जाता है। उन दोनों के बीच एक दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और पाब्लो भी उसे अपने घर के अंदर आने और उसे मिली चिट्ठियां पढ़ने के लिए कहता है। मारियो उससे कहता है कि वो भी एक कवि बनना चाहता है, ताकि लड़कियां भी उसकी वैसी ही दीवानी हो जैसी उसकी है और वो भी उन सारी बातों को कह पाए जो वो कहना चाहता है। पाब्लो उसे समझाता है कि उसे अपनी बातें कहने के लिए कवि बनने की जरूरत नहीं, और उसे अगर कवि बनना है तो उसके लिए उसे समंदर किनारे जाना होगा और अपने आसपास की चीजों को देखना और समझना होगा। पाब्लो से कविताओं के बारे में सीखते समझते मारियो दुनिया को बेहतर समझने लगता है और ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ एक मेटाफर है, जो सुन के पाब्लो भी सोच में पड़ जाता है। एक दिन काम पर जाते वक्त मारियो को एक खूबसूरत लड़की बियट्रिस मिलती है, जिसके साथ उसकी कोई बात तो नहीं होती, मगर मारियो की नजर उससे हटती नहीं। और वो तुरंत पाब्लो के पास जाकर उसे बताता है कि उसे प्यार हो गया है और वो पाब्लो की मदद चाहता है।
पाब्लो उसे कहता है कि इस बीमारी का इलाज है उसके पास, पर मारियो कहता है कि उसे बीमार ही रहना है। पाब्लो उसे डांटे नाम के एक कवि के बारे में बताता है, जिसे बिएट्रेस नाम की ही एक लड़की से प्यार हुआ था और उस प्यार से इंस्पायर होकर वो उसके लिए कविताएं लिखता था। मारियो उसे बताता है कि वो उसे देखता ही रह गया और उन दोनों के बीच बातें भी हुई। जब पाब्लो उससे पूछता है कि क्या बातें हुई, तो वो कहता है कि उसने बिएट्रिस से उसका नाम पूछा, जो बिएट्रिस ने उसे बताया। बस इतनी ही बात हुई। मारियो उससे बिएट्रिस के लिए एक पोएट्री लिखने के लिए कहता है, जो सुनकर पाब्लो को गुस्सा आता है, क्योंकि एक कवि को पोएट्री लिखने के लिए अपने इंस्पिरेशन को देखना पड़ता है और वो तो बिएट्रिस को जानता ही नहीं। मारियो कहता है कि अगर वो सिर्फ एक छोटी सी कविता नहीं लिख पाएगा तो उसे नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा। ये सुनकर पाब्लो उससे कहता है कि अपने प्यार को पाने के लिए उसे खुद कुछ करना होगा और अपनी चिट्ठी लेकर उसे जाने के लिए कहता है। मारियो काफी सोचता है मगर पोएम नहीं लिख पाता। एक दिन उसे पाब्लो एक किताब देता है जिससे वो मेटाफर्स को समझ पाएगा और उसकी मदद से वो बिएट्रिस के लिए एक कविता लिख पाएगा। पाब्लो को रेडियो पर किसी से बात करते हुए देख मारियो उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है। तब वो उसे बताता है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, पर ये एक रिकॉर्डिंग है। वो बताता है कि वो एक जगह का सेनेटर था जहां उसने लोगों की मदद करने के लिए कविताएं लिखी थी। वो मारियो से उन लोगों को हेलो कहने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उसके साथ बिएट्रिस से मिलने जाने की तैयारी करता है। पाब्लो उसके साथ कैफे में जाता है जहां लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बिएट्रिस को देखकर बुक में कुछ लिखता है। वो मारियो के लिए एक ऑटोग्राफ साइन करता है जिसमें वो उसे अपना दोस्त बताता है और कहता है कि तुम्हारे सामने ही एक कविता खड़ी है, अब उसके लिए तुम खुद कुछ लिखो। मारियो बिएट्रिस से बीच पर मिलता है जिसके बाद वो सोच में पड़ जाती है। घर आके वो अपनी माँ को बताती है कि मारियो ने उससे कुछ ऐसे मेटाफर्स कहे हैं जो उसने पहले कभी नहीं सुने, जैसे कि उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ऐसे फैलती है जैसे कोई तितली हो। मारियो ने उसे एक कविता सुनाई जिसके बाद वो कुछ कह नहीं पाई। उसकी माँ उसे समझाती है कि एक आदमी अगर अपने शब्दों से तुम्हें छू ले तो उसे वक्त नहीं लगता तुम पर हाथ डालने में, जिस पे वो गुस्सा होकर कहती है कि शब्दों में कोई बुराई नहीं। पर उसकी माँ को दूसरे गांव वालों की तरह ही कम्युनिस्ट आइडियाज से तकलीफ है, जिसकी वजह से वो कविताओं की खूबसूरती को समझ नहीं पाती और उसे घर में बंद कर देती है। मारियो अब पाब्लो की फैमिली का हिस्सा हो चुका है, जहां वो पाब्लो के घर आता जाता रहता है, कविताएं लिखने में उसकी मदद करता है और उसके और उसकी पत्नी के बीच के प्यार को भी करीब से देखता है। तब बिएट्रिस की माँ उसके घर आती है और उससे मारियो की कंप्लेन करती है कि एक महीने से वो उसकी बेटी को घुमा रहा है और अपने मेटाफर्स का इस्तेमाल करके उसे प्यार के जाल में फंसा लिया है। वो पाब्लो को मारियो की लिखी कविता दिखाती है, जो देखकर पाब्लो हैरान हो जाता है। पर बिएट्रिस की माँ पाब्लो को कहती है कि वो मारियो को उसकी बेटी से दूर रखे। पाब्लो मारियो को समझाता है कि उसने जो शब्द यूज किए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बिएट्रिस की माँ उसे मार डालेगी क्योंकि वो उसके शब्दों को समझ नहीं पाई। मारियो ये कहता है कि वो पाब्लो की वजह से इस सब में फंस गया है, जिस पे पाब्लो कहता है कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि उसने बिएट्रिस के लिए वो कविता लिखी जो पाब्लो ने अपनी पत्नी के लिए लिखी थी। एक रात बिएट्रिस छिपकर मारियो से मिलने जाती है और वो रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। वो दोनों पाब्लो को अपनी शादी का विटनेस बनाना चाहते हैं, पर चर्च के फादर कहते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट भगवान में नहीं मानते। कम्युनिस्ट तो रशिया में बच्चे भी खाते हैं और वो नहीं चाहता कि ऐसा आदमी उन दोनों का विटनेस बने जिसने मारियो को ऐसी अश्लील कविता लिखने के लिए कहा।
मारियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ खूबसूरती के बारे में लिख रहा था। तभी वहाँ पाब्लो आता है जिसे प्रे करते हुए फादर देख लेता है और उनकी शादी करवाने के लिए मान जाता है। शादी के बाद भी मारियो के पिता यही कहते हैं कि उसका एक ही सपना है कि उसके बेटे को एक नौकरी मिल जाए। पाब्लो के लिए एक टेलीग्राम आता है जो पढ़ने के बाद वो अपने दोस्त की शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ कहता है अपने अंदाज में और सबको बताता है कि उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट था उसे वापस ले लिया गया है और अब वो दोनों अपने देश अपने घर वापस जा सकते हैं। एक आखिरी बार मारियो पाब्लो के घर चिट्ठियां लेकर जाता है पर पाब्लो जब उसे पैसे देता है तो वो लेता नहीं। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और पाब्लो कहता है कि वो मारियो को चिट्ठियां लिखता रहेगा, वो कुछ चीजें छोड़कर जाएगा क्योंकि चीले में चीजें हमेशा बदलती हैं। आज वो वहां जा रहा है, कल को उसे वापस वहां से भागना पड़ सकता है। जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और मारियो अपनी पहली कविता लिखने की कोशिश करता है। पाब्लो ने मारियो को सिखाया था कि उसे अपने आइलैंड के लोगों के लिए काम करना चाहिए। पानी ना मिलना और मछुआरों के साथ गलत होना, ये सब चाहे वो बचपन से देख रहा हो पर ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसकी वो बात मानकर अब मारियो आवाज उठाता है और कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने का भी फैसला करता है। उसके अलावा हर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट करता है जिसका लीडर डी कोसिमो है और मारियो के समझाने के बावजूद हर कोई डी कोसिमो की मदद करता है, उसकी पत्नी भी। काम करते हुए भी मारियो सिर्फ कविताओं के बारे में सोचता था और पाब्लो की हर खबर पर नजर रखने लगा था। पर एक दिन एक खबर में पाब्लो इटली में गुजारे अपने वक्त की बात करता है लेकिन मारियो का या किसी और का जिक्र नहीं करता। इस बात से हर किसी को बुरा लगता है। इटली में डेमोक्रेटिक पार्टी जीत रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी हार रही थी जिससे जॉर्जियो परेशान होने लगा था और मारियो परेशान था क्योंकि पाब्लो कहाँ है और क्या कर रहा है उसे इसका पता नहीं था। डी कोसिमो इलेक्शन जीतने के बाद पानी का काम रोक देता है। मारियो तब उसे कहता है कि वो जानता था कि जीतते ही वो अपना काम रोक देगा। एक दिन मारियो के लिए उसकी जिंदगी की पहली चिट्ठी आती है जो जॉर्जियो उसके पास लाता है। मारियो बहुत खुश होता है ये सोच के कि पाब्लो ने उसे चिट्ठी लिखी है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो चिट्ठी पाब्लो के सेक्रेटरी ने भेजी है जो चाहता है कि पाब्लो की चीजें वो वापस लौटा दे जो पाब्लो छोड़ आया था। सबको ये चिट्ठी देखकर बुरा लगता है पर मारियो अब भी ये समझता है कि पाब्लो उसे याद ही क्यों रखता जब ना तो वो एक अच्छा कवि है और ना ही एक अच्छा कम्युनिस्ट, वो तो सिर्फ एक पोस्टमैन था। वो मानता है कि पाब्लो ने उसका इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसी ने हर बार मदद मांगी और पाब्लो ने उसकी मदद की है। बियट्रिस तब कहती है कि वो अपने बच्चे का नाम पाब्लो के नाम पर नहीं रखेगी जैसा मारियो चाहता था। अगले दिन मारियो पाब्लो की चीजें लौटाने जाता है और उसे वो सारी बातें याद आती है जो पाब्लो और उसके बीच हुई थी। वो रेडियो पर उस रिकॉर्डिंग को भी सुनता है जो पाब्लो ने अपने पास रखी थी। मारियो उस रेडियो को लेकर जाता है और आइलैंड की हर खूबसूरत चीज की आवाज रिकॉर्ड करता है। पानी की लहरें, हवाएं जो पहाड़ों को छूती है, जो पेड़ पौधों को छूती है, मछुआरों के नेट की आवाज, चर्च के बेल की आवाज और अपने होने वाले बच्चे पाब्लितो की आवाज, वो हर खूबसूरत चीज जो मारियो देख नहीं पाता था अब देख पाता है और महसूस कर पाता है। अंत में 5 साल बाद पाब्लो अपनी पत्नी के साथ आइलैंड पर वापस आता है और तब उसे बियट्रिस की कैफे में पाब्लितो मिलता है और फिर उसे बियट्रिस से पता चलता है कि पाब्लितो के पैदा होने से पहले ही मारियो गुजर गया था। वो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो मारियो ने पाब्लो के लिए रखी थी। उसने ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इस उम्मीद से की थी कि जब भी पाब्लो उस रिकॉर्डिंग को सुनेगा मारियो उसे याद रहेगा। वो सोचता था कि जाते जाते पाब्लो अपने साथ हर खूबसूरती ले गया पर उसे ये समझ आया कि जाते हुए वो उसके लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ गया था। उसने कविताओं के साथ साथ जिंदगी से प्यार करना भी सीख लिया था। पाब्लो के लिए उसने एक कविता लिखी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसे सबके सामने सुनाने के लिए बुलाया गया था और अगर पाब्लो उसकी जिंदगी में ना आता तो वो कभी वो कविता नहीं लिख पाता। पर इससे पहले कि वो उस कविता को सुनाने के लिए स्टेज पर पहुंचता, पुलिस वहां आ गई थी और उसी भाग दौड़ में मारियो ने अपनी जान खो दी थी।
मारियो की पहली कविता उसी के साथ गुम हो गई और मारियो की ही तरह वो कविता भी पाब्लो को वापस कभी नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।